अधूरे से। कुछ फिर? कुछ तो छुपा रही हो। ठीक है, बेटी के जाने का दुख होता है इंसान को, लेकिन तुम तो मुसलसल घबराती जा रही हो। आखिर बात क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे तुम? कुछ भी नहीं। कुछ तो छुपा रही हो तुम मुझसे, और मुझे बताती भी नहीं हो तुम। कोई बात ही नहीं छुपाने वाली, तो मैं क्या छुपाऊंगी। आसिया, अरे बेटा वो रफीक को फोन कर दो कि रास्ते से कुछ फूल लेकर आएगा। आज सब गिले शिकवे भुलाकर हम अपनी बहू से मिलने जा रहे हैं। अम्मी जान, आप शायद भूल रही हैं, ये गेती की कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जिसे इतनी आसानी से भुलाया जा सके। ये दोनों बहनों की आपस की लड़ाई है, आप कैसे भूल सकती हैं? भूल सकती हूँ, बिल्कुल भूल सकती हूँ। अपने बच्चे की खुशी की खातिर, इस घर की खुशी की खातिर, इस किस्से को अब तुम खत्म समझो। अरसल, हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है। के लिए नहीं है, बल्कि मैं अपने होने वाले पोता पोती को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उसका दादा कितना खुश है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बहुत खुश रखे, हजारों खुशियां दे। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, खुश रहो बेटा, आबाद रहो। तुमने हमें बहुत खुशी दी, बहुत एहसान किया है तुमने हमारे ऊपर। अरसल बेटा नहीं आया? दरअसल वो उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, वो अटेंड करने गया हुआ है, लेकिन गीती को लेने वो खुद ही आएगा। दरअसल इस उम्र में बच्चे लाओबाली होते हैं। देखा आपने अपनी बहू बेगम का मूड, साहबजादी के तो मिजाज ही नहीं मिलते। मुझे लगता है कि आलिया ने सही अंदाजा लगाया है, वे इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती। मुझे तो लगता है कि वे और किसी में। आसिया बेगम, तुम अपनी बेटी के करतूत अच्छी तरह जानती हो, बात किसी और तरह हुई होगी, हम तक पहुंचते पहुंचते उसके मानी बदल गए। खुदा का खौफ करो तुम मां बेटी, शरीफ घर की बच्ची है, हमारी बहू है, हमारे बेटे को औलाद देने वाली है, कम से कम उसके बाप की नेक नामी का लिहाज ही करो। हम क्यों लिहाज करें,
लिहाज उनकी जवान बेटियों को करना चाहिए था ना। आपने उन दोनों के चेहरे के तासुरात देखे थे? अब तक दोनों में ठनी हुई है, और वो भाभी, वो तो बिचारी पता नहीं किस टेंशन में थी। हमेशा हर एक को शक की ऐनक से देखना। मियां बीवी के ताल्लुकात में ऊंच नीच हो जाती है, इसमें किरण का कोई वास्ता नहीं है। और तुम्हारे बेटे ने खुद अम्मी जान के सामने इकरार किया है कि उसके और गेती के मामलात में उसका अपना कसूर है। क्या? तुम्हारे अपने बेटे के करतूत अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बीवी रूठ कर मैके चली गई है। इस सारे मामले में जिम्मेदार असल है गेती नहीं। अर्शल के घर वालों का रवैया कुछ खटक रहा था मुझे, खासतौर पर अर्शल के जिक्र पर। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। तुम जैसी माएं होती है बेखबर, जिनके घर तूफान आकर गुजर जाता है और उन्हें कानो कान खबर नहीं होती है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी उम्र के लिए तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर आके बैठ जाएगी। खुदा ना करे। अर्शल के वालदे ने भी उसे साथ ले जाने की कोई बात नहीं की। अभी तो डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है, थोड़ी तबीयत संभलेगी तो हम खुद उसे घर छोड़ाएंगे। ये भी तो उसका अपना घर है ना। औरत का घर उसका ससुराल होता है, और अपने घर जाने के लिए कोई दलील नहीं दी जाती। रफीक बता रहा था कि अर्शल हमसे बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो यहां आने से गुरेज कर रहा है। ये तुम अपनी बेटी से भी कहो कि ये नखरे वखरे छोड़े और इज्जत के साथ अपने घर वापस चली जाए। क्योंकि बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। का मकसद तो आप समझ गई होंगी। मैं चाह रहा था कि अर्शल गेती को लेने आ जाए, अपनी बेटी की कोताही पर मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन आप अर्शल को भी तो समझाइए ना, उसका रवैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गलती का इतराफ भी करता है और लातालुकी भी बरत रहा है। देखिए, गलती ना गेती की है ना अर्शल की। आप यकीन कीजिए, मैं गेती को खुद लेने के लिए आऊंगी, लेकिन आइंदा के लिए बेटियों के मामले में हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, खास तौर से आपको। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखिए, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं ना। खुदा ना खास्ता हमारा ये मकसद नहीं है किसी पे इल्जाम लगाया जाए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आपको खबरदार करना जरूरी हो गया। देखिए, मैं परेशान हो गया हूँ। आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। नहीं नहीं, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन इतना कह देना मेरे लिए काफी है कि अगर आप अपनी बड़ी बेटी का घर बसाना चाहते हैं तो अपनी छोटी बेटी को इस घर से दूर रखिए। मेरा मशवरा है कि उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें और उसकी शादी कर दें।
दादू आपने बुलाया था? हाँ बेटे आओ। आओ बैठो मेरे पास। मैंने बेटा तुम्हें इसलिए बुलाया था ये बताने के लिए तुम्हारे ससुर ये चाहते हैं कि गेती अब घर वापस आ जाए और तुम उसको लेने जाओ। दादू गेती मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? शायद वो मेरे साथ खुश नहीं थी। तो आखिर क्यों? क्योंकि मैं उसे खुश नहीं रख सका। ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो उसको तुमसे शिकायत होगी। हाँ उसमें याद आया, उस रोज तुम गेती के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। कुछ नहीं दादू, ऐसी कोई खास बात नहीं। बेटा खास बात तो है, आखिर कौन है वो लड़की जिसको तुमने गेती जैसी लड़की के ऊपर फौकियत दी? कौन है वो लड़की? ये वही लड़की है ना जिसको तुमने गेती की कलाई से कंगन उतार के पहना दिए? मैं कुछ समझा नहीं दादू। बेटा अनजान ना मानो, किस हक से किरण ने हमारे ये खानदानी कंगन पहन रखे हैं? इनको पहनने का हक मैंने सिर्फ गेती को दिया था। दादू कंगन मैंने किरण को नहीं दिए, शायद गेती ने वो कंगन किरण को दे दी हो। ये कैसे हो सकता है? गेती ने किरण को दे दी? अशरफ साहब उनकी फैमिली आ रही है, खाने का बंदोबस्त कर लेना। खैरियत है? मैंने उनके मंझले बेटे के साथ किरण की बात पक्की कर दी है, परसों निकाह होगा और इस महीने की 25 को रुखसती कर दूंगा। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि किरण मेरी बीवी है। गेती ने अपनी मां के दबाव में आके और अपने बाप के खौफ से इतना बड़ा कदम उठाया और रुखसत होके आ गई।
मेरा यकीन माने दादू, ये बात मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली। किरण को तलाक देना चाहोगे? किरण का निकाह? क्यों हैरान क्यों हो रही हो? मैंने कोई अनोखी बात कह दी है क्या? मगर परसों, इतनी जल्दी? मुझे अपनी बेटियों का फैसला करने के लिए किसी को बताने या किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि दो दिन पहले बता रहा हूं। गीति के निकाह की तरह दो घंटे पहले भी बुला सकता था उन्हें मैं। मगर क्यों? किसी लायक छोड़ा है तुम मां बेटियों ने मुझे? अब इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, मेरी। परसों किरण का निकाह हो रहा है। शुक्र करो कि इस घर से कोई जनाजा नहीं उठ रहा। जरूर कोई गड़बड़ तुम्हारे को शक हो गया। उन्हें कुछ पता चल गया। आप अबू को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती अम्मी? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मार देंगे हमें? हम तीनों इस वक्त जिस अजियत में मुब्तला है, जान से मर के ही हमें उससे निजात मिलेगी। आप उन्हें सब कुछ सच सच बताए वरना मैं बता दूं। क्या तुम क्या बताओगी? हकीकत। आप अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर मुझे किसी तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ा सकती। अरसल अब कभी वापस नहीं आएंगे। धोखा हुआ है उनके साथ। अब ना वो केती को अपना नाम देंगे और ना मुझे अपनाने का फैसला करेंगे। केती उनकी बीवी ना होते हुए भी अपनी सारी उम्र उनके नाम पे बैठ के गुजार देगी और मैं निकाह पर निकाह करके केती की तरह गुनाहगार जिंदगी गुजार दूंगी। आप सुकून से अपने घर में बैठिएगा। मैं आपकी दोनों बेटियों की जिंदगी दांव पे लग चुकी है, आपको कोई परवाह नहीं है। बस कर दो।
गेदी परेशान हो? शैनी करोगे मेरे साथ? क्यों करोगे शैनी? मैंने तुम्हें तंग जो इतना किया है, तुम्हें याद है हम बचपन में कितना लड़ते थे? लेकिन अगर कोई तुमसे लड़ता था तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता था, मुझे याद है। आप मुझे रोते हुए नहीं देख सकते थे। वैसे तुम आज भी मुझे छोटा सा रोता हुआ बच्चा ही लग रहे हो। क्या हो गया हमें? हम बचपन में ना क्लोज थे, हम शेयर करते थे दूसरे से चीजें, लड़ते झगड़ते भी थे लेकिन क्लोज थे। सब कुछ भूल गए, भाई बहन वाली मोहब्बत ही भूल गए। देखो अर्सल, I just wanted to say I'm really sorry. Don't be sorry. It's not your fault. बस मैं बहुत तंग आ गया। मेरे यहाँ कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं सब छोड़ के जाना चाहता। अब मेरा एक काम करेंगे, नहीं जानता कि तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ते की क्या हकीकत थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने पूरी सच्चाई से तुम्हारी गेतीबाजी को चाहा है और चाहता रहूंगा। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। आई एम सॉरी किरण, अगर मैंने जाने अनजाने में तुम्हें हर्ट किया हो। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। मैं चाहता हूं तुम सब कुछ भूल कर नए सिरे से नई जिंदगी का आगाज करो। बड़ों की गलती की सजा छोटों को नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी,
अगर गैती का कसूर नहीं था तो गलती मेरी भी नहीं थी। मुझे सारी सिचुएशन से लाइल्म रखना तुम्हारी गैती बाजी की गलती थी किरण। एनीवे, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती और मैं उसको फेस करने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए मैं यहां से दूर जा रहा हूं। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, यहां से दूर जाऊंगा तो शायद तुम लोग जिंदगी के इस पेनफुल फेस को आसानी से भूल सकोगे। असल भाई, दादो के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। बाबा को भी चुप्पी लग गई है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मनान साहब हैं घर पे? जी वो ये घर किराए पे देकर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ? मेरा मतलब है आप कुछ जानते हैं उनके बारे में, उनकी फैमिली, उनका कोई आता पता? बचा ये कौन था उनकी फैमिली में? बीवी की हादसाती मौत के बाद वो एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे। सुना है हाल ही में उनकी एक बेटी की शादी हुई है उनके अपने ही खानदान में। बेटी की शादी? कौन सी बेटी की शादी, बड़ी या छोटी? जाहिर है छोटी वाली, बड़ी शादीशुदा है। सुना है अरसा हुआ खामिद से कुछ नाराजगी चल रही है। आप कुछ जानते हैं वो कहाँ होती है? नौकरी कर रही है कहीं, किराया वसूल करने अक्सर वही आती है। उनका कोई कॉन्टेक्ट, कोई नंबर, कोई एड्रेस है आपके पास? ज्यादा तो नहीं पता, मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। आपसे मिलने कोई साहब आए हैं?
किस सिलसिले में? किसी बच्चे को ट्रस्ट में दाखिल करवाना है। उनसे कहें मंडे को आ जाएं, काफी देर हो गई है। मैडम से कहो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मैं मजीद देर अफोर्ड नहीं कर सकता। आप यहां? मैं यहां कैसे आ गया मैं खुद नहीं जानता। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। घर से हमारा आप कोई ताल्लुक नहीं रहा, झूठा भी नहीं। ऐसी बात है तो हमारे झूठे ताल्लुक के सहारे क्यों जिंदगी गुजारी हो गई थी? अलैदगी का ऐलान क्यों नहीं कर लेती? हमारा पहले भी कोई ताल्लुक नहीं था अरसल, और मुझे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं है। प्लीज आप इस तरह मेरी जिंदगी में दखल देकर प्रॉब्लम क्रिएट मत करें। उसी तरह वापस चले जाएं जिस तरह उस दिन चले गए थे। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था गेती, बल्कि तुमने मुझसे और मेरे खानदान वालों से मिलने से इनकार कर दिया था। इनकार तो मैं अभी कर रही हूँ। बहुत देर हो चुकी है गेती, जो हो गया सो हो गया। हम सबको अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए चला गया था ताकि तुम अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज कर सको, और वो मैं कर चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन और बहुत खुश भी। तुम आज भी ढंग से झूठ नहीं बोल सकती ना गेती, और मैं आज भी वही अरसल हूं जिसको झूठ से सख्त नफरत है। झूठ के सहारे दुनिया को मुतमईन कर सकती हो, मगर खुद को नहीं गेती। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। एक ऐसे रिश्ते में बांधने जो नामुकम्मल नहीं होगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आओगे थी, सब कुछ भूलकर इस अधूरे रिश्ते को मुकम्मल करें।